नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्रम आर्ट बाय एसएन हेगड़े। आज हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर वॉज बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेटल का स्टैंड लिया है छोटा सा। आप यहाँ पे छोटे बच्चों का बैंगल यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे सीजर और लाइटर और एक मीटर का येल्लो कॉर्ड 16 पीस लिया है फ्रेंड्स। कॉर्ड को पहले हाफ फोल्ड में लेना है और स्टैंड पे ऐसे फिक्स करके लेना है फ्रेंड्स। बाकी का जो मटेरियल है मैं आगे वीडियो में बताती जाऊंगी, आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। ऐसे ही पूरे 16 कॉर्ड को स्टैंड पे फिक्स करके लेना है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे सभी कॉर्ड को फिक्स करके ले लिया है। अब यहाँ पे रैप करने के लिए मैंने यहाँ पे दो दो मीटर के हिसाब से कॉर्ड को कट करके रखा है फ्रेंड्स। येलो कलर का ही ले रही हूँ मैं। दो मीटर का कॉर्ड लेना है और ऐसे जलाकर पीछे की तरफ लगा देना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, अंदर की तरफ ऐसे लगा देना है जला के। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर का कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं रैप करने के लिए। अब यहाँ पे दो कॉर्ड को एक साथ लेकर सिंगल कॉर्ड से ऐसे रैप करना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं एक ही कॉर्ड से रैप कर रही हूँ। ऊपर से नीचे लेकर ऐसे कॉर्ड को रैप करना है। दो कॉर्ड पे रैप करना है फ्रेंड्स हर बार, और एक ही बार रैप करना है। हाँ, सेम रैपिंग कंटिन्यू करते जाना है फ्रेंड्स। और हर बार कॉर्ड ख़त्म होते ही वहाँ पे कॉर्ड को जॉइंट करके लेना है। हाफ बॉल होने तक सेम रैपिंग कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। और हर बार कॉर्ड ख़त्म होते ही यहाँ पे कॉर्ड को जला के लगा लेना है और सेम रैपिंग कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे हाफ बॉल तक रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉल लिया था जो अंदर डाल रही हूँ। आप देख लीजिए, ऐसे बॉल को अंदर डालना है। आपको यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला छोटा सा बॉल लेना है प्लास्टिक का। बॉल डालने के बाद अब यहाँ पे सेम रैपिंग कंटिन्यू करना है पूरा बॉल कंप्लीट होने तक फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे प्लास्टिक के बॉल को होल नहीं करना है, याद रखिए। ये छोटा वाला बॉल है, हार्ड रहता है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही नया नया वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ तक ही रैपिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कलर कलर बीड्स ले रही हूँ फ्रेंड्स। देख लीजिए, पूरा डिफरेंट डिफरेंट कलर का बीड्स है। अब यहाँ पे रैपिंग के बाद जो नेक्स्ट दो कॉर्ड मिलेगा उसमें ऐसे बीड्स डालना है। मैं स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का बीड्स ले रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसे मोड़ के लेना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, कॉर्ड को अंदर की तरफ लेना है, बाकी का जो कॉर्ड रहता है उसे अंदर की तरफ लेना है।
अब यहाँ पे जिस कॉर्ड से हमने रैप किया था उस कॉर्ड को फोल्ड करके लेना है और टर्न करके लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, ऐसे टर्न करके लेना है और इसके अंदर डालना है और खींचना है। यहाँ पे एक छोटा सा नॉट बन जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही दो बार करना है। नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है और सेम बीड्स डालकर नॉट डालना है। साइज को देखकर फोल्ड करके लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक तरह होना है सभी। ऐसे ही फोल्ड करके लेना है और नॉट डालना है फ्रेंड्स। अगर आप मैक्रम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे मैक्रम आर्ट बाय एस एन हेगड़े नाम से फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही नया नया वीडियो वहाँ पे भी देख सकते हैं। ऐसे ही बीज डालकर नॉट डालते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे बीज डालकर नॉट डालकर पूरा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए ऐसा लगेगा। बीच में ऐसे सभी कॉर्ड आ जाएगा और जिस कॉर्ड से हमने नॉट डाला तो वो साइड में ही रहेगा। अब यहाँ पे ग्रीन कलर बीज जो डाला है वहाँ से स्टार्ट करना है अगेन। तो दो कॉर्ड लेना है और यहाँ पे ग्रीन कलर बीज डालना है और फोल्ड करके वहाँ पे नॉट डालना है। दो नॉट डालना है, याद रखिए फ्रेंड्स। कॉर्ड को फोल्ड करते वक्त हमें नीचे का जो कॉर्ड है उससे थोड़ा लंबाई में रखकर कॉर्ड को फोल्ड करके लेना है फ्रेंड्स। बाद में नॉट डालना है। नॉट डालते वक्त टाइट से नॉट डालिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये लूज हो जाएगा नहीं तो बाद में। अब यहाँ पे नेक्स्ट का दो कॉर्ड लेना है, पिंक बीड्स वाला। उस कॉर्ड को लेना है और उसमें बीड्स डालना है और सेम नॉट डालना है फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही सेकेंड राउंड पूरा कंटिन्यू करना है। जिस कॉर्ड से हम नॉट डाल रहे हैं वो कॉर्ड खत्म हो जाए तो वहाँ पे कॉर्ड को एक्स्ट्रा कॉर्ड को ज्वाइंट करके लेना है 2 मीटर का और सेम नॉट डालते हुए कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। ऐसे ही बीड्स डालकर नॉट डालते हुए पूरा सेकेंड राउंड कंप्लीट करना है। मेरा यहाँ पे सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए। अब यहाँ पे कॉर्ड को, सभी कॉर्ड को ऐसे साइड में लेना है। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड के बाद जो स्टार्टिंग का दो कॉर्ड रहता है उसे कट कर देना है फ्रेंड्स और जलाकर अंदर की तरफ लगा देना है। ऐसे ही एक कॉर्ड को छोड़कर एक कॉर्ड को कट करते जाना है फ्रेंड्स, यानी एक नॉट जो रहता है उस कॉर्ड को छोड़ देना है, दूसरा कट कर देना है और जलाकर अंदर की तरफ लगा देना है। ऐसे ही पूरा एक राउंड कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, दो नॉट के बीच का दो कॉर्ड मैंने कट कर दिया है। दोनों तरफ दो दो कॉर्ड रह चुका है, वैसे ही सेम कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ पे बीच बीच में दो दो कॉर्ड कट करके जला के ले दिया है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे थर्ड राउंड कंटिन्यू करना है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट कॉर्ड लेना है और उसमें बीड्स डालना है।
कॉर्ड को फोल्ड करके लेते वक्त हमें नीचे का जो फोल्ड किया हुआ बीच डाला हुआ कॉर्ड है उससे थोड़ा लंबाई में छोड़कर हमें कॉर्ड को फोल्ड करके लेना है और सेम नॉट डालना है फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पे कॉर्ड छोटा हो चुका है तो हमें यहाँ पे कॉर्ड को थोड़ा कट करके जलाकर अंदर की तरफ लगा देना है। जिस कॉर्ड से हम नॉट डालते हैं फ्रेंड्स उस कॉर्ड को खत्म होते ही वहां पे जॉइंट करके लेना है। देख लीजिए ऐसे जॉइंट करके लेना है 2 मीटर कॉर्ड को एक्स्ट्रा। नेक्स्ट 2 कॉर्ड को लेना है, बीज डालना है और नॉट डालना है। थर्ड राउंड में हमें यहाँ पे बीज डालकर नॉट डालने के बाद कॉर्ड छोटा हो जाता है फ्रेंड्स। वहाँ पे कॉर्ड ज़्यादा जो रहता है थोड़ा वाला उसे कट कर देना है और कॉर्ड को जलाकर अंदर की तरफ लगा देना है। पूरा राउंड ऐसे ही कंटिन्यू करना है। इस फ्लावर वाज को आप ज़रूर बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिखता है। मेरा यहाँ पे थर्ड राउंड नॉट डाल के कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थर्ड राउंड का जो कॉर्ड्स है उसे बीच में ऐसे लेना है
ऐसे पकड़ना है सभी कॉर्ड को, और बाद में सभी कॉर्ड को एक साथ लेकर सेम नॉट दो बार डालना है। देख लीजिए, ऐसे दो बार नॉट डालना है। अब यहाँ पे बचा हुआ जो कॉर्ड है उसे कट कर देना है और जलाकर वहीं पे लगा देना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिए, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और इस फ्लावर वाज को ज़रूर बना के देखिए। ऐसे ही मेरे चैनल पर नए नए वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए।